काल मेरी बीवी ने मुझे इतना धुलाई किया है, देखो गाइस पूरा होठ लाल हो गया, पर खून निकल रहा है अभी। एक्चुअली मजाक। तो भाई लोग तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो गाइस आप फिर से मैं आज जा रहा हूँ मेडिकल, क्योंकि काल मेरी बीवी ने मुझे इतना धुलाई किया है, देखो गाइस पूरा होठ लाल हो गया, पर खून निकल रहा है अभी। एक्चुअली मजाक कर रहा हूँ गाइस। कुछ दिन ऐसा हुआ सुबह को, एक्चुअली मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये नारियल का पेड़ जो है ना उस पर मतलब तामुल का पेड़ गिर गया था ऊपर में, तो मतलब ऐसे ही फंसा हुआ था। तो ये जो देख रहे ना हम लोग, उसी को मैंने मतलब खाट दिया, खा के फिर उधर से मतलब मैंने खींचा, तो एक बार खींचा तो नहीं आया, दूसरी बार खींचा फिर भी नहीं आया, तीसरी बार ज़ोर से खींचा तो सीधा यहाँ लग गया। तो मतलब मैं जैसे कि क्या बोलते हैं, सादा खाने वाला का आदमी जैसे लग रहा हूँ, क्योंकि मेरा होठ बहुत ही फूला है निगरू की होठ की तरह। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं मेरे बीवी को भी लेके जाऊँगा, तो आज उसका बारी है, आज उसको लेके जाऊँगा, क्योंकि उसका मतलब दिमाग में कुछ चक्कर है, चक्कर आता है या माठा बारी है बोलता है हमको, हमको तो इतना पता नहीं है, फिर भी कल की तरह कल का ब्लॉग ऐसे ही होगा। यार देखो इतना फूला है ना ये होठ, आज तो वैसे भी काफ़ी हैंसम लग रहा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, एक सालों के बाद नहाया हूँ गाइस, मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली बारिश गया था तब नहाया नहीं, फिलहाल के लिए तो अभी थोड़ा हैंसम होकर जाना पड़ेगा ना, तो वहाँ में बहुत सारे लड़कियाँ होंगे, फिर लड़कियाँ पतना पड़ेगा। काल से पूरा करंट हुआ ही नहीं हम लोग का घर में। ये देखिए, ये देखियो, ये है बेसा, बेसा नहीं एक्चुअली, ये मेरा मामी लगती है, मतलब पूरा इतना दर्द है ना, खून निकल रहा है। इसी देखिए मेरे बिटिया को, इसको यहाँ में छोड़ के जाएंगे। तोरा हंसो तो, अरे बिटिया तोरा हंसो, देख रहे हैं मेरे को, आज मैं बहुत सुनसम हुआ ना इसलिए देख रहे हैं ना मामा। ऐसे अभी रेडी हो चुके हैं और मेरे बिटिया को यहाँ में छोड़ के जाएंगे, क्योंकि रास्ता बहुत ही खराब है, इसलिए यहाँ में छोड़ के जाएंगे। एक बार हाय बोल लो, हाय बोल लो एक बार हाय। ये देखो खाली हंसते रहे थे, उनको पता नहीं कि हम लोग उसे छोड़ के जा रहे हैं। तो गाइस ये मारो जिक्र के साथ इधर जाएंगे, काल की तरह आज का भी यही होगा, मतलब बोर्ड ब्लॉक होगा करसन से लेके हाउसिंग तक, और इधर मुँह वगैरह चार्ज करना है। देखो करंट तो काल से आया नहीं है, अभी तो आया है फिलहाल के लिए, वो भी हाफ थे। तो गाइस हम लोग नदी पार होके अभी पहुँचे हैं रत्नपुर गांव। ये है रत्नपुर का गांव, रत्नपुर गांव कुछ इस तरह से है। अरे भाई ये तो हर का आई थिंक यहाँ का सब भूल हो गया ना, तो हर कोई बहरा होता था धीरे धीरे मतलब। तो गाइस हम लोग अभी पहुँच चुके हैं नोंगटम, नोंगटम का कुछ इस तरह से नज़ारा दिखता है। और हम लोग मतलब जब करसांग में गए थे उस वक्त मतलब ये गाइस हम लोग अभी पहुँचने वाला है करसांग का स्कूल में, जो हम लोग पढ़े थे, मतलब हम 9 से लेके यहाँ में 10 तक पढ़े हैं, तो 10 क्लास होकर डायरेक्ट एडमिशन लिया मैग्रे कॉलेज में, क्योंकि यहाँ में मतलब काफ़ी दिक्कत थी इसलिए यहाँ में नहीं पढ़ा था। तो वहाँ तो वहाँ पैसा बहुत खर्चा हुआ, लेकिन वहाँ का सुविधा था। और अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ भाई स्कूल, ये देखिए पहले से बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही बढ़िया से बनाया है। जब हम लोग थे तब थोड़ा हल्का सा टूटा फूटा था। तो ये देखो ट्रेवल का लोकल ये बुकने वाला, अरे भाई करसांग से लेके मतलब जागुन तक पूरा रास्ता अच्छा है, यहाँ का थोड़ा ख़राब है, क्योंकि अरे भाई ये कौन है इतना धुआ उरा उरा खा रहे भाई। कल का वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ, तो आज यहाँ पे अपलोड करेंगे करसांग में, क्योंकि यहाँ में 5G नेटवर्क चलता है, अगर हम लोग का गाँव में चलता तो बढ़िया होता, इतना मेहनत करके यार फिर भी वगैरह नहीं आता है,
एक वीडियो अपलोड करते हैं तो कम से कम 3-4 GB तो 2 GB 3 GB तो जाता ही है, अगर लंबा होगा तो 4 GB जाएगा ही भाई। क्या बाइक है, बुलेट खास मेरे पास भी होता। भाई हम लोग भी पहुंच चुके हैं करसंग, और इस तरफ न्यू जाता है, इस तरफ जाता है जागुन यानी असम में जाते हैं। अब यहाँ से थोड़ा रोड अच्छा है। One hour later. हम लोग जा रहे हैं अपने घर, डॉक्टर से सामान वगैरह ला लिया, मेडिसिन वगैरह जो चाहे थे दे दिया। यार आज का गर्मी में बहुत ही गर्म है यार, बहुत ऐसे धूप दे रहे हैं ना, कहाँ से धूप दे रही है, बारिश होने से भी दिक्कत है चलने के लिए, मतलब मुश्किल हो जाता है। लेकिन बारिश होने से भी ज़्यादा ये गर्म देने से भी, धूप देने से भी ज़्यादा गर्म होता है यार। देखो वाओ, कार का वीडियो भी अपलोड नहीं होगा इस, तो आज मतलब खस्ता हुआ वीडियो वगैरह अपलोड करेंगे, क्योंकि यहाँ में बहुत स्पीड चलता है, 5G नेट मिलता है। हम लोग का गांव में खास मिल जाता तो बढ़िया हो जाता। रास्ता लेकिन ख़राब है इस तरफ का, ये देखो हम लोग का गांव से थोड़ा हल्का सा ठीक है। उसके बाद बाइक में भी तेल वगैरह डालना पड़ेगा, बहुत तेल बहुत कम हो गया है, काल से कुछ नहीं डाला तेल, मतलब उससे पहले डाल लिया था पूरा फुल टैंकी। और यार मैं CRPF का जवान रहते हैं, मेरा भी एक सपना था कि मैं फौजी बनाऊँ। मेरा तो ज़्यादातर इंडियन आर्मी का मतलब जिम था, वो तो पूरा हो नहीं पाया, पर अब ये यूट्यूब में काम कर रहा हूँ। जब आकर्षा में कोई देखता है तो ऐसे हमको घूरता जैसे कि मैं बाघ हूँ, क्योंकि हेलमेट में बाइक वो हेलमेट में ये मोबाइल वगैरह लगाता हूँ, तो इसलिए आप लोग देखते हैं हमको, और पूछते कोई नहीं है, सिर्फ घूर घूर के देखते हैं। तो गाइस हम लोग फिर से पहुँच गए हाईवे पे, हाईवे क्या है ये हल्का सा, ज़्यादा दूर नहीं है, सामने में है, ये थोड़ा अच्छा है रोड। घर से अगर ऐसे रोड मिल जाते तो बहुत जल्द पहुँच जाते, पर क्या करें यार, हमका किस्मत ख़राब है, गवर्नमेंट इतने फैसिलिटी देता नहीं है, जो भी दे जो भी आता है फैसिलिटी वगैरह सब पेट में जाता है। तो देख रहे हो जैसे भी इधर एक बंदा मेरे को घूर रहा था, क्योंकि हम वीडियो वगैरह बना रहा था, देखते भाई सब सब। मैं जब वहाँ हूँ बनाए तो आया था, यार हट भाई, जैसे भी भाई हट है। तो यहाँ से टमाटर वगैरह ले लेते हैं, तो तेंगे आधा आधा कर लो ना, हैं आधा कर दो यहाँ से, हाँ तो बना जाते। तो गाइस अभी सब्जी वगैरह ले लिया हम लोग और जा रहे हैं आगे में, वहाँ में पेट्रोल वगैरह डालेंगे, उसके बाद थोड़ा मीट वगैरह ले लेंगे, चिकन वगैरह। यार आज का बहुत ही गर्म है गाइस,
गाइस सभी अभी पहुंच चुके हैं घर और मेरा होट को देखे गाइस एकदम पूरा नेग्रो का सा होट हो गया मेरा। ओ भाई बहुत दिनों के बाद इतनी तेज धूप दे।